गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 5 जून 2020 की सुबह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। होप आपके पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। इससे पहले जो व्यूवर्स नए हैं मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा, और जो चीज़ें आपके पसंद की है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 5 जून 2020 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। तो ये है सबसे जो इम्पोर्टेंट दिवस आप लोगों को लर्न करने हैं, वो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना का गठन दिवस, तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और 5 जून जो कि आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, विश्व पर्यावरण दिवस की। इसकी थीम भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आज की थीम क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह के 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण की अग्रदूतों में से एक थे, ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक ज़रूरी कदम है। कलकत्ता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है, ये आप याद रखेंगे, और कलकत्ता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में होती है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यू एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में यूज़र की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? हाँ, तो ये मुकदमा किया गया है अपने $5 अरब का, ये आप याद रखेंगे, $5 अरब का। यूजर्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के आरोप में गूगल के खिलाफ कैलिफोर्निया में $5 अरब का मुकदमा दर्ज हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में ये केस दर्ज हुआ। गूगल पर क्रोम ब्राउजर में अवैध रूप से प्राइवेट मोड में यूजर्स की निगरानी करने का आरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत के जो सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया गया है? भारत की रेटिंग गिरती जा रही है इसमें, तो ये कर दिया है इन्होंने Baa3। एजेंसी का कहना है कि निम्न आर्थिक वृद्धि और बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते जोखिम कम करने वाली नीतियों के क्रियान्वयन में बड़ी चुनौतियाँ खड़ी होगी। मूडीज ने भारत की स्थानीय मुद्रा वरिष्ठ बिना गारंटी वाली रेटिंग को Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया। इसके साथ ही अल्पकालिक स्थानीय मुद्रा रेटिंग को भी P2 से घटाकर P3 पर ला दिया, तो ये भी आप याद रखेंगे। मूडीज ने इससे पहले नवंबर 2017 में 13 साल के अंतराल के बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान चढ़ाया था, क्योंकि बहुत दिनों से Baa3 पे ही चल रही थी। 2017 में Baa2 पे आई थी, बट वापस वो खिसक के नीचे आ गई है अपनी रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो ये है इन्फोसिस। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार इन्फोसिस के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति बने हैं, और जबकि पिछली वर्ष इस कंपनी के 64 अधिकारी करोड़पति थे। मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बन गई है हुंडई। पहली बार जो है मारुति को सुजुकी जो है नंबर 1 से नीचे उतर गई, क्योंकि मारुति सुजुकी को पिछले छोड़कर ह्युंडई की क्रेटा भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ है। मारुति की कार बेस्ट सेलिंग कार अब नहीं रह गई है। नेक्स्ट, 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है भारतीय उद्योग परिसंघ का। वे भी कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान इस वर्ष 1 रुपये सैलरी लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट बात करेंगे,
जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की कौन सी महिला है? तो ये एशिया की पहली महिला है। तो आप ये याद रखेंगे, बिना हाथों की कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला जिलोमोल मैरियट थॉमस, ये नाम याद रखेंगे आप। तो ये 28 वर्षीय हैं और एशिया की पहली महिला हैं। उन्होंने हाथ ना होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। किस एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची हुई परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है? तो ये घोषित की गई है सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है और जो 10वीं 12वीं की बाकी बची हुई परीक्षाएँ हैं वो स्टूडेंट सेंटर के एग्ज़ाम वहाँ पर सेंटर्स जो है वो बदल सकते हैं। और ये जो परीक्षाएँ हैं वो जुलाई से, मतलब जो 1 जुलाई से, अब ये जुलाई में डेट तो अभी नहीं, नहीं पता चली, 15 जुलाई तक जारी रहेंगी। अनुसंधानकर्ताओं ने, एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने किस नाम से पृथ्वी जैसे ग्रह की होने की पुष्टि की है? तो ये की है प्रोक्सिमा बी। प्रोक्सिमा बी अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि ये ग्रह सौरमंडल के सबसे निकट तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा कर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कितने दिवसीय खेलों इंडिया समुदाय प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये किया 10 दिवसीय, इसमें सॉरी 25 दिवसीय, गलती से मिस्टेक हो गया, 25 दिवसीय। इसमें 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए ये कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत को खेल राष्ट्र बनाना है। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जो है रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत सॉरी नियुक्त किया गया है? तो ये है फिनलैंड राज्य, फिनलैंड देश के। रविश कुमार जो है 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी तथा मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन की है गायत्री कुमारी। गायत्री कुमारी को ब्रिटेन में नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पूर्व वे विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। कोरोना वायरस के बीच इन्होंने कई तरह की अर्थव्यवस्थाएं खोलने की इजाज़त दी है। तमिलनाडु में अब बाल कटवाने और ब्यूटी पार्लर की सेवा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह दलील दी है कि इससे कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रेस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा, सॉरी पंजाब के द्वारा, ये आप देख सकते हैं मिशन फतेह, फतेह नाम से पता चल रहा है पंजाब के। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने कोरोना के खिलाफ ये मिशन का लॉन्च किया है। इसका मकसद लोगों का मनोबल बढ़ाना है, वो महामारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हुए है अनवर सागर, इनका निधन हो चुका है। और इन्होंने बॉलीवुड के 80-90 के दशक में अजय देवगन की विजय पर, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ के सपने साजन की, अक्षय कुमार की हिट फिल्म खिलाड़ी और मैं खिलाड़ी तू नाड़ी के लिए भी गाने लिखे हैं। तो आज की करंट अफेयर में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।